गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अरिधा। तो अभी जा रही हूँ मैं वृद्धि को लेने। एग्जाम कैसे हुआ? बहुत अच्छा। कभी बुरा क्यों नहीं होता आपका? अभी हमारे घर में आ रहे हैं हमारे न्यूली वेड कपल प्राची दीदी एंड करण जीजू। भैया अभी फोन आया उनका, तो मैं जल्दी से तैयारी लग गई है यहाँ, मतलब खाना पीने का सामान लेके आ रही हूँ। जल्दी चलते हैं। अभी तो वैसे जल्दी करने की जरूरत नहीं है, वो अभी धोला कुआं पहुंचा है जो कि एक घंटा है यहाँ से। मम्मी ने ऐसे बताया, मुझे नहीं पता। तो अब हम लोग कर रहे हैं वेट प्राची दीदी और का। क्या खाने, क्या बोल रही है? आगे हमारे प्यारे 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 से कपल। तो यहाँ मैं, प्राची दीदी और वृद्धि फोटोशूट कर रहे थे। हमने सोचा प्राची दीदी क्यूट लग रही है, तो इसलिए फोटोशूट भी कर लेते हैं उनके साथ। जैसे मैंने पिछले व्लॉग में बोला था, वृद्धि किसी को नहीं छोड़ती है, वैसे ही इसने प्राची दीदी और जीजू को भी नहीं छोड़ा। ये सब पे फिल्टर्स ट्राई करती है और लगाती रहती है। जब भी कोई मेहमान आता है ना, उसका यही काम होता है, सब पे फिल्टर्स लगा के। प्राची दीदी और चले गए हैं और मैं सीधा पढ़ाई करूंगी। बहुत अच्छा लगा यार, उस दिन तो बिल्कुल नहीं मिल पाई थी, हमने बातें करी एंड फील सो नाइस। पढ़े भी तो पढ़े कैसे, लाइक इतना ज्यादा शोर होता है। अभी बारात आ रही है यहाँ और इतनी ज्यादा शोर हुआ है, मैं पढ़ ही नहीं पा रही हूँ, बुक्स खुली पड़ी है। मैथ्स वीक है तो इसलिए मैं टेंशन हो जाती है। शायद उस दिन मैथ्स के एग्जाम था जिस दिन वो ब्लॉग डाला था, तो तभी आप लोगों को लिया मैंने बहुत सारा टेंशन, बट ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और नेक्स्ट थिंग, प्राची दीदी और आए थे, तो मेरे को जीजू और प्राची दीदी ने दिया एक गिफ्ट। आई गेस थैंक यू प्राची दीदी एंड जीजू, थैंक यू सो मच। अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो तो जीजू के आई गेस रिवाज होता होगा कि साली को देते हैं। वैसे तो मैं उनकी साली नहीं हूँ, मैं प्राची दीदी की मासी लगती हूँ, बट फिर भी प्राची दीदी ने और जीजू ने मुझे दिया है। लुक इतना क्यूट, मैं यहाँ तो पहन नहीं सकती, यहाँ कहीं भी नहीं, क्योंकि मेरा हाथ बड़े पतले हैं, बट यहाँ पहन सकती हूँ। थैंक यू सो मच। और अभी मैं क्या करूँगी, वृद्धि को लेने जाऊँगी। अभी तो टाइम है, 10:47 पे जाऊँगी और बस फिर आपको मिलाऊंगी वृद्धि से। जब वृद्धि नहीं होती ना, सच बात बोलूँ तो मेरा तो बिल्कुल दिन नहीं लगता है उसके बिना, और मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाती हूँ उसके बिना, बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाती हूँ। और एक दो दिन से जो मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी, बस ये था क्योंकि दादी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो उनकी बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई थी और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा इस सिचुएशन में ब्लॉग डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसके लिए माफ़ी देना। और ये रही हमारी बिल्लू, ये बिल्कुल चीनू की तरह दिखती है, अगर चीनू होती ना बड़ी तो ऐसे होता। कभी कभी आई मिस मीनू सो मच, लाइक सो मच, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं उसको। ये हमारी झुमा चौहान, भूख बताने की इतनी भूख। हाय दादी, कैसे हो अब आप? खोल के देखो। आय हाय, खोल के देखो, ये पूरी हीरोइन बनेगी झुमा चौहान हमारी। बोल दो हाय गाइस। हाय गाइस, जोर से बोलो। हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। वेलकम टू आवर चैनल। आवर चैनल सब्सक्राइब करो, सरप्राइज करो। अब दादी को तो चलनी पड़ेगी जब तक मैं इस बिल्ली को खाने ना दूं, तो अब देना ही पड़ेगा दादी का कहना है। हाँ जी ओके, पहले मैं चाय वो भी दे देती हूँ बिल्ली को खाना। हमारे घर में तो लाइक ये परंपरा है, हमारे घर का भी कुत्ते बिल्ली किसी चीज से खाली रह नहीं सकता, मतलब अकेला तो रह ही नहीं सकता हमारा घर,
कभी ना कभी कुत्ता हो जाएगा या बिल्ली आ जाएगी, कुछ ना कुछ तो होगा हमारे घर में। ऐसा नहीं होगा कि हम बिना किसी जानवर के रहेंगे, बेशक वो पालतू ना हो। बट फिर दादी हमारे घर में नेवला क्या करता था बताओ, नेवला के छोटे छोटे तो हाथ में देती थी, रोटी खाता था, ऊपर से आता था, ऊपर से मैंने बोलना चिंटू आ जा, वो दोनों आते थे माँ घर बच्चा, और मैंने रोटी हाथ पे रखनी और उसने खा लेनी। काटता नहीं था आपको? काटता नहीं था, यही तो हो रही थी परेशानी की, काटता नहीं था मेरे को, और बोलते थे यार देख ला काट। और आपके पास कितने कुत्ता बिल्ली थे दादी पहले? तो मैंने गिने थोड़ी, बहुत सारे थे, अब नाम बताऊं, गोलू, सुंदरी, बिल्लू, कन्नू, और जी महाराज ढूंढू, और टिक्की मिक्की, और सुंदरी, और काऊ मामा, ओह माय गॉड, नेवर एंडिंग, बिल्लू, पता नहीं बहुत सारे। खा ले बिटिया रानी। ये गाइस अभी मैं छत पे गई थी मम्मी के चक्कर की वजह से, क्योंकि मम्मी बोलते धूपा बोल रही हूँ, धूप सेकना बड़ी ज़रूरत है, तो इसलिए मैं सो गई थी पूरे एक घंटे, और काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि सुबह 5 बजे की उठी होती हूँ मैं, और ये तो कोई नहीं सोते, मैं 5 बजे उठती हूँ अपने घर में सबसे पहले, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स होते हैं, एग्ज़ाम्स की पढ़ाई करनी होती है इसलिए।